मोगा की बात करेंगे। कनाडा और भारत के बीच बिगड़ते राजनयिक संबंधों ने पंजाब के छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। स्टूडेंटों का कहना है कि बहुत से बच्चों ने भारी फीसें भर के अपनी कनाडा जाने की फाइल लगाई हुई है, वहीं बच्चों को भारत भी आना होता है। ऐसे में अलग अलग एडवाइजरी जारी होने से बच्चे परेशान हैं। आने वाले दिनों में उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज एमके न्यूज़ की टीम ने उन बच्चों के साथ बातचीत की है जिन्होंने कनाडा जाने के लिए अपनी स्टडी वीज़ा के लिए फाइल लगाई हुई है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक्चुअली सर मेरी फाइल लगी हुई है तो मैंने कि जिम्मे दोनों सरकारों का आपस प्रॉब्लम आ गई गवर्नमेंट्स में है ना, तो उन्होंने इकट्ठे बैठ के आपस प्रॉब्लम सॉल्व कर, क्योंकि देखो गवर्नमेंट्स के ना बच्चों का बहुत फ्यूचर खराब हो रहा है कि फीस सब पे की हुई है, कल तो ना गवर्नमेंट्स करके कोई रौला हो जाता है तो बच्चों का पूरा फ्यूचर खराब हो जाना है। प्लस साढ़े जो मनी पेरेंट्स वही आऊगी सरकारों यदा कोई फर्क नहीं पैना, तो असं सर यही सुजैसट करते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री बैठ के गलबात करन ताकि जेड़े इस मुद्दे का हल भी कढ़िया जा सके। हुण असीं इत्थे हुण मतलब उन्हां दी जिहड़ी मैरिज आ उन्हें नैक्सट मंथ रखी है, तो वह कि जे उन्हें मतलब कि सरकार उन्होंने वीजे नहीं दूगी इंडियन आने वास्ते तो फिर वह की है ना अपनी फैमिली भी नहीं मिल सकनगे। तो आप बट मैं तो फिर उही जिवें सारे इमीग्रेशन वाले असी सारे यही कहने भी देखो कि सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर ना खराब होए। बच्चा जिहड़ा अपनी जिस कंट्री पढ़ना चाहता है या जिहड़ा उन्हें इनटेक सोचा होया उन्हें वो मिल जाए तो वह अपना सफलतापूर्वक उत्थे पहुँच जाए।